हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, आज हम आपको जो दिखाने साइड आए हैं वो एक प्लॉटिंग की साइड है और वो बेहटा मार्केट से बिल्कुल लगी हुई है। मान के चलिए किसान पद से बिल्कुल लगा हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम आपको आज प्लॉटिंग की साइड एक विजिट कराने में आए हुए हैं और हम आपको पूरी लोकेशन दिखाते हुए चलेंगे। इस टाइम हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जस्ट बिल्कुल सामने और इस साइड के जो ऑनर है साबिर भाई वो हमारे साथ हैं। तो हम चाहते हैं साबिर भाई थोड़ी लोकेशन जो है आप एक्सप्लेन करिए, जो आप थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हम लोग इस वक्त लखनऊ के कुर्सी रोड पर हैं, जो कि टेढ़ी पुलिया से कुर्सी रोड के लिए रोड जाती है और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कि कुर्सी रोड की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट काफ़ी हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर से देश विदेश से आकर के पढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल हब भी है, काफी डेवलप्ड एरिया है। इसी से कितनी दूरी होगी आपकी साइड? जी, इसी से 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारी साइड है, जहाँ पर न्यू किसान पथ आउटर रिंग रोड वहीं से निकला हुआ है, बेहटा बाजार के पास से, बस उसी से लगी हुई अपनी साइड है। तो हम लोग अपनी साइड पे लेकर के चल रहे हैं आपको। और ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है, साथ ही साथ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। तो यहाँ से अब मान के चलिए 3 किलोमीटर पे हम साइड पहुंच जाएंगे भी। ये अब हम लोग इंटीग्रल से थोड़ा आगे आ गए हैं। यहाँ पर सेट एमआर जयपुरिया स्कूल है, जो कि बहुत बड़ी चेन है, फेमस स्कूल है। इधर के सारे बच्चों के लिए यही एक अच्छा स्कूल है, बढ़िया। बाकी और भी स्कूल हैं इस रोड पर, सेंट मोनिका भी है मिशनरी स्कूल, क्योंकि जयपुरिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अच्छा स्कूल है, तो साइड से एकदम नज़दीक है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के। थोड़ा सा आगे जयपुरिया स्कूल है, इससे थोड़ा सा आगे बेहटा मार्केट, फिर किसान पथ आ जाएगा, बस वहीं अपनी साइड है। ये इस वक्त हम लोग कुर्सी रोड के बेहटा मार्केट पे आ चुके हैं। ये इस रोड की काफ़ी बड़ी बाजार है और हफ्ते में 2 दिन और बड़ी हो जाती है, यहाँ वीकली मार्केट भी लगती है। इस रोड की काफ़ी बड़ी बाजार है, काफ़ी दूर दूर से लोग मार्केटिंग करने आते हैं। बस इसी से लगी हुई साइड है हम लोगों की, मात्र इससे 800 मीटर की दूरी पर साइट है इसी बेहटा बाजार से। और सामने देखिए किसान पथ दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करिए तो किसान पथ दिख जाएगा, सामने वो जो पुल है वही किसान पथ है, न्यू आउटर रिंग रोड, जो राइट हैंड पे चली जाती है फैजाबाद रोड को कनेक्ट करती है, लेफ्ट हैंड में दिल्ली रोड को कनेक्ट करती है। ये देखिए इस वक्त साथियों हम लोग आ गए हैं किसान पथ और न्यू आउटर रिंग रोड, जिसकी अभी हम लोग बात करते हुए चले आ रहे थे। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास भी इसकी बात किया, साइट पर भी इसकी बात किया, तो वह चल करके साक्षात कस्टमर को दिखा दिया जाए कि किसान पथ किसको कहते हैं और कहां पर है। ये किसान पथ है, अभी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी 80% काम हो चुका है साथियों और 20% लगभग काम बचा हुआ है। और फैजाबाद से कुर्सी रोड की जो कनेक्टिविटी है वहां पर रोड चालू हो चुकी है, जहां पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। यहां से कुर्सी रोड से ये दिल्ली रोड, सीतापुर रोड और रायबरेली रोड को कनेक्ट करती है, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, कुछ समय में ये भी चालू हो जाएगी। और यहीं से लगी आप देखिए थोड़ी सी जो आबादी दिख रही है, वहीं पर खड़े होकर के अभी हमने वीडियो शूट किया था, वहीं पर हमारी साइड है। वहां से ये दूरी सिर्फ है आउटर रिंग रोड की, जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग साइड पे आ चुके हैं, ये जो है पूरी साइड है। तो साबिर भाई कितने बीघे में है ये साइड और कितनी जो है ये फाइनल हो चुकी है? देखिए ये तो साइड हमारी बहुत बड़ी जाएगी जी, और काफी अभी तो लगभग हमारी 10 बीघे की साइड ये हो चुकी है, और पीछे काफी जमीन अभी धीरे धीरे हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। और अभी मौके पे जो साइड दिख रही है आपको, तकरीबन ये 10 बीघे की पहुंच चुकी है हमारी। और देखिए बाउंड्री हुई है, काफी सारे प्लाट ये बिक चुके हैं, जितने भी बाउंड्रिया दिख रही है ये प्लाट बिक चुके हैं, सब बिक चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो बचे हैं अवेलेबल वो कहाँ पे हैं? ये अभी कुछ कुछ प्लाट बिके हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं अभी ईट पड़े हुए हैं वगैरह, हाँ तो वो हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं साइड। अच्छा, हाँ तो अब अवेलेबिलिटी उधर दे देंगे, थोड़ा सा पीछे दे देंगे। बाकी अभी राइट हैंड पे ये थोड़ा सा यहाँ कुछ प्लाट की अवेलेबिलिटी है जी, तो वो जब मौके पे जब जो आएगा उस समय जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी कस्टमर को हम बता देते हैं, उसमें से चूज कर ले कस्टमर। ठीक है, रोड कितनी कितनी चौड़ी है इसमें? देखिए मेन जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं डामर रोड से, मेन रोड है ये, हाँ वो जो डामर रोड जहाँ देखिए कार खड़ी है वहाँ पर 30 फीट की है, ठीक है, और वहीं पर अगल बगल हमने कॉमर्शियल के लिए निकाल दिया है। उससे फिर एंट्रेंस जब अंदर आ रहे हैं तो ये 25 फीट की रोड है आपकी, हाँ फिर अंदर ये देख रहे हैं 22 फीट की रोड है जी। ठीक है, गेट भी वहीं पे लगेगा जहाँ पे कार खड़ी है, वहाँ पे गेट लगेगा जी।
वो है ना उधर जी, हाँ वो सामने देखिए एकदम जी, किसान पद भी कहते हैं। राइट हैंड पे जाएंगे तो फैजाबाद, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो सीतापुर रोड, दिल्ली रोड एयरपोर्ट के लिए अच्छा लेफ्ट हैंड में कनेक्टिविटी है। अच्छा जी ठीक है, बात करें जैसे साइड की दूरी की टेढ़ी पुलिया से, जी जी वो कितनी की दूरी होगी? देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, टेढ़ी पुलिया से आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जी ये पड़ता है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ठीक है। 7 किलोमीटर से तकरीबन 3 किलोमीटर की रेंज में आपका बेहटा बाजार आ जाएगा। बेहटा बाजार से मेन रोड से 800 मीटर की दूरी पे ये साइट है, ठीक है। तो टेढ़ी पुलिया से अप्रोक्सीमेट तो आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर पे साइट, जी दस किलोमीटर ठीक है। तो जैसे कि ये जो जमीन है इसका क्या प्रोसेस है, मतलब दाखिल खारिज है कि 143 है ये क्या है? इसमें सब हमने आवासीय लैंड यूज चेंज करा दिया, क्योंकि देखिए जब जमीन रहती है यहाँ तो खेती होती थी, पहले तो ये खेत के लिए ही जमीन थी, अब इसमें चूंकि हम प्लाटिंग कर रहे हैं तो लैंड यूज हमको चेंज करवाना आवश्यक है। इसका लैंड यूज हमने चेंज करवा दिया आवासीय के लिए, आवासीय हो चुकी है, ठीक है। तो कमर्शियल जो आप आगे बता रहे हैं वो मतलब कोई लेना चाहे मिल जाएगी, अवेलेबल है कि? नहीं नहीं, कमर्शियल तो बिक चुकी है, रेजिडेंशियल भी अब अभी तो फिलहाल अवेलेबिलिटी है, जो अभी हमारे क्लाइंट बाहर से, काफी क्लाइंट सब बाहर के भी हैं, गल्फ के हैं, पीछे अभी पीछे भी अवेलेबिलिटी है, नजदीकी है अभी तो पीछे जाएगी साइड हमारी, और रेट भी इसका इंक्रीज होता रहेगा जी। ठीक है, तो रेट क्या है इसका अभी मौके पे? ये 800 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हम लोग बेच रहे हैं, 800 रुपए। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही, इससे कम नहीं होना है। तो इसमें क्या फैसिलिटी क्या देंगे? सुविधा ये आपको मिलेगी, यहाँ पर रोड हम बना करके देंगे, डामर वाली, हाँ डामर रोड बना करके देंगे और लाइट देंगे, यही जरूरत है। जो भी कस्टमर यहाँ मकान बना के रहेंगे या इन्वेस्ट करेंगे कि आज हम 800 रुपए लगा रहे हैं तो हमको 1200-1400 का 2-3 साल में रिटर्न मिल जाए, डेवलपमेंट हो जाएगा, अपने आप रिटर्न मिलेगा। वैसे बना के भी जो रहना चाहे रह सकता है, क्योंकि हाँ हाँ आसपास आबादी भी दिख रही है आपको, ये आबादी दिख रही है, और यहाँ पर भी जो अभी आगे हॉस्पिटल वाले साहब हैं उन्होंने लिया है, वो जल्दी ही काम लगाएंगे। अच्छा, वो मेन रोड पे खोलेंगे? हाँ, यहाँ तो मेन रोड पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी। अच्छा, जो ये हमारी 25 फीट की रोड है, उसके बाद अंदर कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी। जैसे कोई यहाँ पे लेके अपना मकान बनाता है जी, तो उसके घर की जो जरूरतें की चीजें होंगी वो बेहटा मार्केट से? बिल्कुल बिल्कुल, बेहटा बाजार जी जी मुश्किल से 800 मीटर पे है, और रोड से भी कनेक्टिविटी, आप आए हैं तो तमाम दुकानें सारी रास्ते में हैं, तो सारी जरूरत की सामान, हॉस्पिटल, स्कूल, सब चीज सब मिल जाएगी। मतलब ये है कि तुरंत बना के रहना चाहे तो आदमी रह भी सकता है, और इन्वेस्ट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, इन्वेस्ट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया, 800 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे जैसे ही 2-4 घर बन जाएंगे तो 1000-1100 का रेट कोट करने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें लोन की क्या सुविधा है? देखिए प्लाट पे तो प्लाट परचेसिंग पे लोन मिलता नहीं है, होता है ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें जो भी प्लाट आपको लेना पड़ेगा, जो भी हमारे क्लाइंट बाहर से आएंगे, तो प्लाट के लिए जो अभी मौके पे मौजूद है उसका इंतजाम करना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन इजीली मिल जाएगा। एक हम क्वेश्चन और आपसे करना चाहते हैं, जैसे कोई बाहर का कोई कस्टमर होता है, देख रहा होता है चीज, उसको पसंद आती है, लेना चाहता है, लेकिन उसके जैसे बाहर का बनाने का टाइम नहीं है, हाँ, जैसे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते बना के कि 1000 स्क्वायर फीट में, भाई हमें आप कितने का मकान बना के दे देंगे? जी जी, तो ये चीज पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, ऐसा हम लोग करते भी है। इसके अच्छा। पहले भी जो साइड है हम लोगों ने डेवलप किया, ये कोई हमारी पहली साइड है नहीं, लोग काफी साइड डेवलप करके बेच चुके हैं, तो मकान में जैसे जो भी मैप वगैरह होगा हम कस्टमर को भेज देते हैं, उसमें से कस्टमर ओके कर दिया, एक हमारा उनका रेट तय हो जाएगा, कैसे बनवाना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से चीजें हो जाती है। तो आपने बताया था, हम शायद भूल गए, ध्यान से उतर गए, कितने बीघे में साइड बताई थी? तकरीबन 10 बीघे में, और भी आगे आप अभी और बढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइम हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जो आसपास के जितनी बाउंड्रियां दिख रही हैं, ये सारे सबसे सेल आउट हो चुके हैं, काफी तकरीबन 200 प्लाट लगभग तो सेल ही हो चुके हैं, सब पीछे पीछे के बचे हुए हैं, ठीक है। तो मेन रोड दोस्तों जो आपको मिल रही है 30 फीट की मिल रही है, उसके बाद 25 फीट और कम से कम जो है 22 फीट की यहाँ पे रोड आपको मिल रही है, और जो यहाँ पे प्लॉट के रेट है वो है 800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लोकेशन हम दोस्तों आपको दिखाई चुके हैं, यहाँ से मान के चलिए 3 किलोमीटर की दूरी पे जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। अगर हम बात करें टेढ़ी पुलिया चौराहे की, तो वो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बेहटा मार्केट जो कि कुर्सी रोड की एक बहुत बड़ी और एक बहुत फेमस मार्केट है दोस्तों, वो यहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पे। मतलब ये अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है, और अगर आप यहाँ पे बना के दोस्तों रहना भी चाहते हैं तो भी बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। रेट सिर्फ 800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रोड आपको बना के दी जाएगी। अच्छा, जहाँ तक नाली की बात है, क्योंकि अंदर तो नगर निगम नाली बनाएगा नहीं, रोड आप बनाएंगे तो नाली भी बना के आप देंगे, नाली जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा मकान का तो अपने सामने हर आदमी बनाएगा, उसको कनेक्ट करवा करके हम पानी कहीं निकलवा देंगे।
ठीक है। तो अच्छा गेटेड कॉलोनी बनेगी, वहाँ पे गेट भी लगेगा। जी जी, गेटेड कॉलोनी इधर से भी एक एंट्रेंस है आपका, और ये भी एक एंट्रेंस है, ये भी एक रास्ता है, आगे से भी एक रास्ता हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा रोड एक ही रोड पे रहेगा, उससे हम तीन एंट्रेंस कॉलोनी के मिलेंगे ताकि लोड थोड़ा हमारा डिवाइड हो जाए। ये भी रोड देखिए, जहाँ पे ईंट दिख रही है आपको, वहीं से रोड जाकर के आउटर रिंग रोड में मिल गई है किसान पथ पर, और सीधा आकर के आगे जो डामर रोड है उससे भी कनेक्ट हो गई है। यहीं पर आपको एक बात और बता दें, सारे जो व्यूवर्स हमारे बाहर से देख रहे हैं, ये कुर्सी रोड पे किसान पथ देख रहे हैं, किसान पथ से ही आगे न्यू एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड किया हुआ है। अच्छा, तकरीबन 6,000 एकड़ में, तो वो अनाउंसमेंट हो गया है। अब एयरपोर्ट पे जैसे ही आगे काम कोई भी शुरू होगा तो और जमीनों में यहाँ पे रेट बहुत अच्छा से इंक्रीज होगा। जी, तो ये वाला तो रहे रहेगा, ये वहाँ वो तो रहेगा ही रहेगा। एक प्रपोज और एक प्रपोजल गवर्नमेंट ने और आगे के लिए दे दिया है। जी 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 जी, अगर आपको लगता है किसी तरह की जानकारी हमसे छूट गई जो आप तक नहीं पहुंची है, तो नीचे नंबर दिया गया है, दिए नंबर पे कॉल करके जब चाहे आप यहाँ पे आके दोस्तों इस साइट को विजिट कर सकते हैं, और जो जानकारी लेना चाहें आप साबिर भाई से ले भी सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।